Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you, we hear sounds through our ears from your class 8 science book. So let us start this topic. In this video, I am going to tell you that how do we receive sound in our ears. मतलब कि जैसे बाहर तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वो जैसे मैकेनिज्म कौन सा है जिसकी की वजह से या जिसकी की मदद से हम जो है साउंड को सुन सकते हैं, साथ ही उस साउंड को परसीव करके अपने ब्रेन में एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यस, इस साउंड का ये मतलब है. ठीक है, जैसे हमें कोई कहता है या कोई जो भी हम लैंग्वेज सुनते हैं तो वो लैंग्वेज का मतलब हम एक निकालते हैं ना, तो ये साउंड से हम कैसे मतलब निकालते हैं, तो वो ब्रेन तक पहुँचता है साउंड, ठीक है, उसके सिग्नल्स पहुंचते हैं, तभी तो हम ऐसा कर पाते हैं. तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हम सुनते कैसे हैं. ठीक है, सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक. द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल. तो आप सब ने अपने कान तो देखे होंगे, जल्दी जल्दी अपने कान देख लीजिए कि हमारा जो कान है वो एक फनल शेप है. ठीक है, जैसे ये कान देख रहे हैं, फनल शेप है ये, तो ताकि ये फैला हुआ है, ठीक है, ताकि इसमें से बाहर से जो भी आवाज़ आ रही है उसको हम रिसीव कर सकें. ठीक है, आपने जानवरों में भी देखा होगा, डॉग्स में, काउस में, ठीक है, ईयर्स जो हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि जो डॉग्स हैं वो अपने कान उसी तरफ मोड़ लेते हैं, अलर्ट मोड में खड़े हो जाते हैं, कान उनके खड़े हो जाते हैं कि जिधर से साउंड आ रही है. ठीक है, तो यानी कि जो एक्सटर्नल हमारा ईयर है इसका काम ये भी है कि जो साउंड है उसको रोक करके हमारे कान के अंदर भेजने का भी काम ये फनल शेप जो है इसका ये करता है. तो इसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसका भी काफ़ी रोल है. ठीक है, कि हम कितना साउंड सुनते हैं. सो व्हेन साउंड एंटर्स इट, इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन शीट मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम. तो जब ये कोई भी साउंड जब होता है तो वो हमारे कानों के अंदर जाता है. ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर से होते हुए हमारे कान के अंदर जाता है. तो ये कान के अंदर एक छेद होता है, सबके कानों के अंदर छेद होता है ना, कई बार आप उसके अंदर जो है कोई ऐसी नुकीली चीज़ भी डाल देते हैं जिसके की वजह से आपका कान डैमेज हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो जब हम कान के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जब जाएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक ईयर ड्रम, एक पर्दा जिसको कहते हैं ना, आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना होगा कि कान का पर्दा. ठीक है, तो एक ड्रम जैसे आप देखते हो ढोलक के ऊपर या जो तबला है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन शीट होती है ना, वैसे ही हमारे कान की भी इसी तरीके से एक मेम्ब्रेन शीट है. कान के अंदर एक मेम्ब्रेन शीट है, जैसे तबले के ऊपर शीट होती है वैसे कान के अंदर भी एक मेम्ब्रेन शीट है. ठीक है, तो जो भी आवाज़ जाती है तो इसी मेम्ब्रेन शीट से वो टकराती है. जैसे आप तबले हैं, तबले के ऊपर जब आप ऐसे ठक ठक करेंगे तो वो उसमें से कुछ साउंड निकलेगा ना, वैसे ही हमारे मेम्ब्रेन शीट से भी जब कोई साउंड जाके टकराता है तो वो भी वाइब्रेट करता है और उससे भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, फिर आगे क्या होता है, इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. तो जो ईयर ड्रम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है साउंड को हमारे ब्रेन में आगे तक भेजने के लिए. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम. तो मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊंगी, लेकिन पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं. एक्टिविटी से आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली जो है मैकेनिज्म क्या है हमारे जो है कान से जो हम सुनते हैं उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है. तो मैकेनिज्म जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे कान की बनावट कैसी है. ठीक है, आप जब कान के बनावट जब समझ लेंगे तब आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे ना कि मैकेनिज्म ये काम कैसे करता है. पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली इसका जो शेप है, अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कान के अंदर और उनका क्या क्या रोल है, कैसे फंक्शन करते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि हम कैसे सुनते हैं. ठीक है, तो ये कैसी इसकी बनावट है इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है जिसका नाम है एक्टिविटी 13.10. फाइन, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, एक प्लास्टिक या टिन का कैन ले लेना है. ठीक है, कट इट्स एंड, अब उसके दोनों सिरे काट देने. ठीक है,
Stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with a rubber band. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक कैन ले लेना है और उसको क्या करना है, उसके दोनों सिरे काट देने हैं और काटने के बाद एक सिरे के ऊपर एक बलून गुब्बारा आता है, गुब्बारे को एक सिरे पे ऐसे लगा देना है जैसे इस बच्चे ने किया और गुब्बारे को रबर बैंड से ऐसे टक कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इस गुब्बारे के ऊपर आपको करना है कि नीचे से ऊपर आप जो है कुछ दाने रख दीजिए, गेहूं के या चावल के, किसी के भी दाने आप इस रबर बैंड वाले जो आप ये है गुब्बारा उसकी शीट के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन, व्हाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। तो जब इस शीट, ये जो बलून की शीट आपने लगाई थी, इसके ऊपर कुछ ग्रेन्स रख देंगे और नीचे वाली साइड जो कि ओपन है उसमें से आप जोर से बोलेंगे हुर्रे हुर्रे करके, तो वो जो ग्रेन्स है वो जंप करेंगी केवल आवाज़ से, यानी कि जो आवाज़ है आपकी, साउंड की जो वाइब्रेशन गई, ये शीट जो है इसको वाइब्रेशन मोड में लाया, इस आवाज़ की वजह से वो जो शीट है बलून की वो वाइब्रेट करने लगे और वो वाइब्रेट की इसलिए उसके ऊपर जो रखे दाने हैं वो भी जंप कर गए, हिल गए। ठीक है, अप एंड डाउन जंप करने लग गए। फाइन, जैसे आपने अगर पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार शादियों में आपने सुना होगा कि डीजे बज रहा है, खूब ज़ोर ज़ोर से गाना बजता है, तो आपके घरों की जो खिड़कियां होती हैं, ठीक है, कांच की खिड़कियां, तो वो भी हिलने लगती हैं, डीजे की साउंड इतनी तेज़ होती है कि वो घर की खिड़कियां हिलने लगती हैं, इसीलिए कहते हैं ना, तो जो हमारे कान में जो पर्दे हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, जस्ट लाइक दिस रबर बलून। ठीक है, तो जब बहुत तेज़ आवाज़ में जब हम सुनाई देता है तो कई बार हमारे जो है कान के पर्दे फट जाते हैं इसी वजह से। तो ये जो है आपने रबर बैलून देखा ना, हमारे कान के पर्दे जस्ट लाइक दिस रबर बैलून, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, हमारे कान के अंदर ऐसा ही सेम टू सेम एक ऐसा ही पर्दा लगा हुआ, इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने कान में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। सोचिए अगर ये रबर बलून में एक छेद हो जाए तो फिर जब आप हुर्रे हुर्रे बोलेंगे तो साउंड तो निकल जाएगा ना, वो बाहर चला जाएगा, वो फिर ग्रेन्स जो हैं उतनी तेज़ी से वाइब्रेट नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, तो जो सुनने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो एज के साथ भी ये मेम्ब्रेन जो है वो ढीली पड़ने लगती है कई बार, इस वजह से बुढ़ापे में कई लोगों को सुनाई नहीं भी देता है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो एग्जैक्टली अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, तो हमारा जो कान का ईयर ड्रम है वो भी एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह ही होता है। ठीक है, साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, तो हमारा जो साउंड है, जैसे हमने ही नीचे से हुर्रे हुर्रे बोला तो वो शीट वाइब्रेट हुई, और उसका प्रूफ क्या है कि वो वाइब्रेट हुई, क्योंकि उसके ऊपर हमने ग्रेन्स रखे थे वो हिलने लगे, तो इट मीन्स कि शीट में वाइब्रेशन हुआ होगा तभी तो ग्रेन हिले ना। तो वैसे ही हमारे कान के जो पर्दे हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन एंड दैट इज हाउ वी हियर। तो जैसे यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक्सटर्नल ईयर था। ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर था, एक्सटर्नल ईयर के बाद जो है हमारे कान के पर्दे में, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ये हमारे कान के पर्दे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्री बोन्स होती है, तीन तरह की बोन्स होती है। ठीक है, एक होती है मैलियस, ठीक है, एक होती है इंकस और एक होती है स्टैपिस। ठीक है, मैलियस, इंकस, स्टैपिस, ये थ्री बोन्स देख रही है, ये मैलियस, ठीक है, ये इंकस, ठीक है, और ये है हमारी स्टैपिस बोन। तो क्या होता है कि ये वाइब्रेशन जो है इन बोन्स को भी पास हो जाती है। ठीक है, जो कान की थ्री बोन्स है इनको पास होती है, मैलियस से इंकस को जाती है, इंकस को स्टैपिस के थ्रू जाती है, और स्टैपिस जो है यहाँ पे आप एक राउंड सा ये देख रहे हैं ना, ये स्नेल लाइक ऐसे ऐसे राउंड कलर का, ठीक है, ये थ्री एंड हाफ राउंड होते हैं, तो इस राउंड में जो है वो फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, फ्लूइड भरा रहता है, और जो हमारी ये स्टैपिस बोन है इसको टच करती रहती है। ठीक है, तो जब ये वाइब्रेट करती है तो इसको टच करती है, ऐसे पुश करती है, फिर टच करती है, फिर वाइब्रेशन आता है, फिर पुश करती है, तो इस कॉक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है फ्लूइड भरा रहता है, जिसमें कि जो है हेयर सेल्स होती हैं। ठीक है, और उन हेयर सेल्स
क्या करती हैं, इन वाइब्रेशंस को वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं हेयर सेल्स, ठीक है। मैलियस इंकस टैपिस के थ्रू वाइब्रेशन आते आते कॉक्लियर मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, कॉक्लियर सेल्स तक पहुंचता है, फिर क्या होता है वो हेयर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और हेयर सेल्स उन सेल्स को, उस सिग्नल को हेयर सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो जो सुनने वाली जो नर्व होती है उसके थ्रू वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और हम उस सिग्नल का पूरा मतलब समझ जाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा ईयर ड्रम, ठीक है। इस ईयर ड्रम से जो है कोई भी वाइब्रेशन जब हमारी कान के अंदर आती है तो वो सबसे पहले हमारे इसी ईयर ड्रम से टकराती है, ठीक है। फिर इस ईयर ड्रम से एसोसिएटेड होती है हमारी तीन बोन्स, ठीक है। तो कोई भी वाइब्रेशन अगर आएगी तो वो ईयर ड्रम से पहले टकराएगी, फिर उसी वाइब्रेशन की वजह से ये जो तीन बोन्स देख रहे हैं आप, एक है मैलियस, एक है इंकस और एक है स्टैपिस, ठीक है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से इन बोन्स के अंदर भी वाइब्रेशन होगी, क्योंकि ये वाइब्रेशन जो है वो एक दूसरे से वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। फिर ये वाइब्रेशन जो है आगे चल के कॉक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक फ्लूइड जो है वो फिल रहता है, ठीक है। तो इन्हीं कॉक्लियर सेल्स के अंदर जो है ये वाइब्रेशंस जब आती हैं तो ये इन सेल्स के अंदर भी वाइब्रेशन होता है। तो जब स्टैपिस इस कॉक्लियर मेम्ब्रेन को जहाँ भी टच करती है वहाँ पे इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, इन कॉक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर वाइब्रेशन होने लगती है और ये कॉक्लियर मेम्ब्रेन्स हेयर सेल्स के साथ में कॉन्टैक्ट रहती हैं, तो ये अपना वाइब्रेशन जो है वो हेयर सेल्स के पास भेज देती हैं और फिर ये हेयर सेल्स जो है इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पहले ये जो सिग्नल था वो वाइब्रेशन के फॉर्म में था, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैच करती हैं तो इसी वजह से ये हेयर सेल्स जो हैं वो इस सिग्नल को, ये वाइब्रेशन के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है, जो कि हमारा ब्रेन परसीव करता है और फिर हम उसका मतलब निकालते हैं। तो अब देखते हैं कि पहेली क्या कह रही है। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू अवर ईयर, ठीक है। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। तो पहेली भी वही बात कह रही है कि हमें कभी भी कोई शार्प जो है चीज़ अपने कान में नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो जो हमारा ईयर ड्रम है, कान का जो पर्दा है, सोचिए कि ये आपके कान का पर्दा है और अगर आप इसमें कोई नुकीली चीज़ डालोगे तो इसमें छेद हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो फिर जो वाइब्रेशन आएगी, तो जिस इंटेंसिटी से आप वाइब्रेशंस को कैच करते थे, जिस इंटेंसिटी से ये तीनों बोन्स हिलती थी, ठीक है, ये यहाँ पे आएगी तो अगर ये यहीं पे सिग्नल आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक से ये वाइब्रेट नहीं करेगा तो ये बोन्स के पास नहीं जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा, फिर आपका सिग्नल आगे नहीं जाएगा तो आपको सुनाई कम देगा, आपका ब्रेन के पास कोई सिग्नल नहीं जाएगा कि कोई आवाज़ भी आई, ठीक है। जिन लोगों को नहीं सुनाई पड़ता उनको पता ही नहीं लगता कि कोई आवाज़ आई उनके, क्योंकि ब्रेन तक आवाज़ पहुँचती ही नहीं है, है ना, कान का जो रास्ता है यही ख़राब हो गया होता है तो आगे सिग्नल कैसे ट्रेवल करेगा। तो यही रीज़न है कि हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट कभी भी अपने कान में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। सो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।